हे गाइस, कैसे आप सब? आज हमारे साथ है जो बहुत टाइम से ब्लॉग में नहीं आया है। तो गाइस, ये रहा हमारा मोटू और ये रहा आपका छोटू, और एक और शख्स है हमारे साथ, उससे भी हम आपका इंट्रो कराना चाहते। पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ? ये गाइस, ये मोटू, छोटू और ये हमारा लंबू। तो अभी हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि प्लान कुछ नहीं है, अभी हम भटक रहे हैं इधर से उधर, अभी सोचेंगे सोचेंगे फिर कहाँ जाना है। तो अभी मिलते हैं आपसे जहाँ जाएंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। तो चले चलते हैं। A few moments later. तो गाइस, अभी हम फिलहाल लाल किला, तो बहुत घूमने के बाद, बहुत भटकने के बाद हमें कुछ ये जगह मिली है, तो हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पराठे वाली गली। तो अभी चलते हैं पराठे वाली गली में, दिखाते हैं आपको कैसा क्या है और वहाँ पे रिव्यू करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, ठीक है? तो अभी हम फिलहाल सबके सब जा रहे हैं पराठे वाली गली, तीनों के तीनों, और तीनों के तीनों जिम करते हैं। अबे साले, हाँ करते हैं, डाइट की तैसी तैसी होने वाली है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, तो मिलते हैं फिर सब। अभी क्या दिखा तेरे को? जलेबी। अभी जलेबी की इतनी प्यारी खुशबू आई, शुद्ध देसी घी के साथ मजा ही आ गया, लेकिन साले खाने नहीं दे रहे ना। नहीं यार, डाइट भी जरूरी है, तो देखते हैं डाइट के हिसाब से क्या मिलता है। लेकिन वैसे लगता तो नहीं, पर खुशबू ने कंट्रोल। तो ये रहा का गली का एंट्रेंस, पराठा वाली गली का। तो अभी चलते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम फिलहाल आए हैं कचौड़ी खाने के लिए, जिस दुकान का नाम है जंग बहादुर कचौड़ी वाला, जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा उल्टा पुल्टा दिख रहा है, पर काम चला, हमने बोल दिया ना, इतना काफी है। बस कर रे, बस कर, बस। तो फिलहाल जैसे आप देख सकते हैं कचौड़ी आ चुकी है हमारे सामने, और इन सबके मुंह में पानी आ रहा है, रुक भी नहीं रहे। तो इसका रिव्यू करेंगे हमारे अनुराग भाई। रिव्यू दे भाई। एक नंबर। जहर अच्छी, मतलब टेस्ट आ रहा है। चलो अब ये अनुराग का हो चुका है रिव्यू, आप देता है अखिल, जिसके मुंह में कब से पानी आ रहा है। ठीक है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं देखता हूँ कैसा क्या है। वो कहता है ना, हींग का फ्लेवर वो इसमें देखने को मिल रहा है, और टेस्ट जो आ रहा है ना, वो बढ़िया आ रहा है एकदम। चाहता भी है, किसके मुंह में पानी नहीं आएगा ये सब देख के। Thank you.
इसको सबर नहीं है, ये ठूसे ही जा रहा है जब देखो। अरे तू भाई, मैं तो पूरी थाली में ना बस चटनी चटनी पी रहा हूँ, चटनी का टेस्ट बहुत मज़ा आ रहा है ना सबसे ज़्यादा। वैसे तीनों दिखने में तो सेम ही है, इनकी स्टफिंग अलग है। ये देखो और चीज, ओह माय गॉड। अब भी बस करे बता दे भैया, थोड़ा थोड़ा पिज्जा का टेस्ट आ रहा है यार। सच बताऊं तो पराठा कम पिज्जा ज्यादा लग रहा है। रिव्यू बताया जाए, लग रहा ना थोड़ा पिज्जा ही। वही तो अभी हम ये शिमला चीज पराठा खा रहे हैं और इसमें सिर्फ शिमला मिर्च है। कट गया इसका, मतलब क्या क्या था ये, है क्या था ये भाई? मेरे में तो पनीर है, मेरे में तो पनीर है, पनीर चीज है लेकिन पनीर है। मेरे में मशरूम भी है। क्या है इसमें? सोचा था कि भैया शिमला पराठे में तो शिमला का आइटम होगा, लेकिन इसको हरी हरी शिमला मिर्च मिली। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब हमने खा के सत्यानाश कर चुका है प्लेट्स का। देखो सबसे सबसे खतरनाक सत्यानाश जो करा ये रहा, पहले इसी बंदे ने खत्म करा है, अब फिर ये रहा, और सबसे आखिरी में मैंने, अब फिर ये रहा इस बंदे ने। ये साला आपसी देखो अभी भी टूट रहा है, प्लेट में कुछ नहीं बचा है, फिर भी टूट रहा है। इसकी मैं बात बताना चाहता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। इस दुकान का नाम है बाबू राम पराठे वाले, तो यहाँ पर जरूर आइए और बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे वैरायटी के आपको यहाँ पर पराठे देखने को मिलेंगे। ऊपर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और सबसे मेन बात, सबसे पुराना है, हाँ सबसे पुराना AC 89 का। हाँ तो अभी आ गए हम बाहर पराठे वाली गली से, तो अभी ये रेट करेंगे दोनों के दोनों। तो पहले अनुराग रेट कर। मेरा है 10 out of 7। क्यों? एक जो है ठीक ठाक था, मतलब वो टेस्ट नहीं आता पराठे वाला, बाकी सब्जियां भी मतलब ठीक ठाक थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। और तू? मैं 10 out of 10 में से मैं ना जो रेटिंग दूंगा वो 8 दूंगा, और प्लस 1 दूंगा मैं जो केले की चटनी थी उसकी। मेरे हिसाब से अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम इतना सोच के नहीं आए थे, तो मेरे हिसाब से मैं दूंगा 10 out of 9। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ, तो चलो चले मिल। तो जिसको भी आना हो थोड़ा संभल के आना, और अपना फोन बचा के जरूर रखना अगर व्लॉगिंग कर रहे हो। हमने भी बहुत बचा के रखा है, तो आपसे मिलते हैं हम अभी बहुत। तो अभी हम आ गए लाल किला मेट्रो स्टेशन, अब हम अपने घर जा रहे हैं तीनों के तीनों। तो आपसे मिलते हैं हम अपने नए व्लॉग में, तो अब तक के लिए व्लॉग देखते रहे, टाटा बाय बाय। खत्म।